युवा महासम्मेलन को लेकर भाजयुमो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये सम्मेलन सोलन के मुरारी मार्केट में कल आयोजित होने वाला है। यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के साथ भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। सोलन से भाजपा और युवा मोर्चा मिलकर शिमला संसदीय सीट का चुनावी शंखनाद करेंगे। युवा मोर्चा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक कर युवा मोर्चा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री को रोड शो के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भरत साहनी ने कहा कि आज का युवा जान चुका है कि अगर देश को कोई आगे ले जा सकता है तो वह केवल नरेंद्र मोदी है। इसलिए सभी युवाओं में भारी जोश दिखाई दे रहा है और वे नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत में भाजपा की सरकार बनाने के लिए युवाओं का सबसे अहम रोल रहने वाला है और वे भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़कर फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। अगर आप कॉमन जनता से युवा से बात करेंगे तो वो आज की डेट में मोदी जी के बड़े फैन है और आदरणीय जयराम जी के भी फैन है, क्योंकि इन लोगों के कार्यकाल देखे आप, मोदी जी के, जयराम जी के, इनसे लोग प्रभावित हैं युवा हमारे, तो इनको क्यों नहीं वोट करेंगे। आज की डेट में देश के लिए अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया और जैसी स्कीमें मोदी जी ने शुरू करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत से चीज़ें युवाओं के लिए शुरू की हैं। युवाओं को पता है कि मोदी जी ने आगे देश को बढ़ाना है तो हमें मोदी जी की आवश्यकता है और मोदी जी को ज़रूर वो 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे देश के युवा और हमारे विधानसभा के युवा और हमारे जिला के युवा इसमें निभाएंगे। ये जो कार्यक्रम है ये युवा सम्मेलन है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनको मोदी जी से जुड़े हुए कार्य जो युवाओं के प्रति जो उन्होंने किए हैं मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी जब बात करते हैं वो न्यू इंडिया की बात करते हैं और न्यू इंडिया के अंदर सबसे अगर पहले आता है तो वो युवा आता है, तो उसको लेकर के ये सम्मेलन हो रहे हैं जो कि पूरे जिला भर में होंगे।